अच्छा सारा और सवेरा, आई एम श्योर कि अभी तक शो मजेदार जा रहा है, बहुत मजेदार। लेकिन अभी और लोगों को भी कॉल करनी है, बीच में एक बंदे ने कॉल नहीं उठाया, इसको दोबारा कॉल करते हैं। हेडफोन लगा लो। ये जो हम कॉल कर रहे हैं किसी डॉक्टर के कहने पे, किसी डॉक्टर को कर रहे हैं, इनफैक्ट डेंटिस्ट हैं, और जरा इनसे बात करते हैं, इनको भी कोई ना कोई चकमा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर अली बात कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर अली बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये दांत जो होते हैं, जो लगते हैं ब्रिज वगैरह जो नकली लग जाते हैं, ये कितने तक का पड़ता है? डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का दांत लगवा रहे हैं। इसमें 3 से 4 क्वालिटीज के क्राउन होते हैं। सबसे बेहतर कौन सा होता है जो बिल्कुल रियल दांत के करीब करीब होगा? देखें इसमें मैनुअल पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल होता है, कैटकैम पोर्सलिन होता है, जर्कोनिया के क्राउन होते हैं, और जर्कोनिया क्राउन्स में जर्कोनिया क्राउन्स होते हैं, जर्कोनिया वीनियर्स होते हैं। डिपेंड करता है कौन से लगवाएं, जो सबसे बेस्ट है वो जर्कोनिया होता है। ये कितने तक का पड़ता है एक दांत अंदाजा जर्कोनिया वाला? सर देखें डिपेंड करता है, वेरी फ्रॉम 22,000 टू 60,000। ये एक दांत का बता रहे हैं आप? एक का? एग्जैक्टली एक दांत का बता रहा हूँ। एक दांत 22,000 से 60,000 तक का पड़ सकता है जर्कोनिया वाला, जो रेल के करीब होगा। अच्छा चबाने में महसूस होगा असली है, ऐसा मतलब कोई वो तो नहीं होगा नकलीपन सब? नहीं सर बिल्कुल एस्थेटिकली, और उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल नेचुरल दांत के करीब होते हैं, नेचुरल दांत के। अच्छा इसमें एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई मुझे डोनर मिल जाए? पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा फिर उसके हमें उसके कुछ टेस्टिंग करने होते हैं, जैसे कि ब्लड का टेस्टिंग होता है डोनेशन से पहले, तो उसके लिए हमें उसकी फिर ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि जिस किस्म की डेंटिस्ट की प्रोग्रेस कर रही है कि एक पर्सन का दांत दूसरे पेशेंट में हम ट्रांसप्लांट कर सकें। बोन तो ग्राफ्टिंग हो रही है, बोन की ग्राफ्टिंग होती है, जैसे कि कुछ लोगों की कुछ लोगों की बोन दूसरे पेशेंट में ग्राफ्ट की जाती है, लेकिन दांत का इस वक्त इतनी डेंटिस्ट की एडवांस नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में I expect इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा एक बात और ज़रा पूछनी थी कि अगर मैं मतलब अब मैं ज़रा आपको असली बात बताता हूँ जो असल काम की। बिल्कुल। मेरा नाम है याकूब जंजुआ, सही है, मैं इधर रहता हूँ FB एरिया में। असल में मैंने बहुत सारी ना सिरियाँ जमा की हुई हैं, गाय की और बकरे की। मैंने उसमें से ना दांत अलग कर लिए, सबके दांत निकाल लिए, गाय और बकरे दोनों के, तो बेबा अच्छे खासे जमा हो गए हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये बेच लूँगा तो कितने तक के, मतलब ये है कि एक दांत से ना 3-3 निकल आएंगे एक बंदे के ना इंसानी। तो आप जानवरों के दांत इंसानों को लगाना चाहते हैं? नहीं तो वो बड़े हैं ना दांत, तो वो कट कटा के मतलब 3-3 तो बनी जाएंगे। नहीं आपको पता है आप किसको कॉल कर रहे हो? हाँ डॉक्टर अली आपका नाम है ना, डॉक्टर अली पता है? सुबह किसी भी चैनल पे खोल के देख लेना, वहाँ डॉक्टर अली बैठे होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, किस किस्म की बातें कर रहे हो मेरे साथ? यार आप तो नाराज हो रहे हो भाई, मैं तो आपसे डील बनाना चाह रहा हूँ, आप बता रहे हो 22 से 60 का पड़ता है। सुबह बैठ के इसकी बात से प्रीच कर रहे होते हैं कि आप प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं, और तुम ये सवाल कर रहे हो मेरे साथ फोन करके। भाई आप जानते नहीं हो मुझे? भाई आप खरीदने वाले बनो, मैं आपको 15 को सेंड करता हूँ नंबर तुम्हारा, जो भी नंबर है। हाँ और मैं बताता हूँ कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, 15 को करो या 16 को करो, ये आप इंसानों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, इस किस्म की क्वेश्चनिंग करके और इस किस्म की हरकतें करके अपनी अपने पैसे कमाने के चक्कर में। यार आप गुस्सा कर रहे हो आप, चलो सस्ते में दे दूंगा। फोन रख दो अभी। अच्छा रख दो। नहीं फोन नहीं रख, आप भी मत रखना, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर अली जैन बोल रहा हूँ कटाकट से, मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया इतना गुस्सा? बोल वाले सैन। जी बोल वाले सैन। कटाकट से कॉल की थी यार, और यार अचानक से इतना, मैंने अभी गालियां देनी थी आपको। मैं बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हूँ, और मैंने वैसे सिरियां जमा की नहीं है यार, खरीद बिकवा दे यार। मैं हाइपर हो गया था और मैं इस वक्त मैं सुनाने लगा था, शुक्र है बता दिया आपने। राइट तुम्हारा पेशेंट हिल गया होगा, या अचानक से क्या हो गया डॉक्टर साहब को ऑपरेट करते करते अचानक से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब, के सिग्नल्स जा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।